हाय गाइज, आज हम बनाएंगे तीन तरह की ठंडी ठंडी लस्सी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैंगो लस्सी बनाएंगे। मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है, इसमें हम एक कप पका हुआ आम डाल देंगे, एक कप हम इसमें दही डाल देंगे, तीन चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे, दो इलायची के दाने डाल देंगे, थोड़े से आइस क्यूब डाल देंगे, थोड़े से पानी डाल देंगे इसमें हम। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सभी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए हैं। मैंने एक गिलास ले लिया है, इसमें हम इसे सर्व कर लेंगे। दो चार पीस आम के टुकड़े से हम इसे गार्निश कर लेंगे। मेरा मैंगो लस्सी बन के तैयार है। अब हम प्लेन लस्सी बना लेंगे। मैंने मिक्सी जार ले लिए हैं फिर से, इसमें हम एक कप दही डाल देंगे, तीन चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे, थोड़े से इलायची के दाने डाल देंगे, थोड़े से आइस क्यूब डाल देंगे, थोड़े से पानी डाल देंगे इसमें हम। इन सभी को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए हैं। अब इन्हें हम एक सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेंगे। मैंने एक सर्विंग ग्लास ले लिए हैं, इसमें हम इसे सर्व कर लेंगे। मेरी प्लेन लस्सी बनके तैयार है। तो चलिए अब हम चॉकलेट लस्सी बना लेते हैं। मैंने मिक्सी जार ले लिए हैं फिर से, इसमें हम एक कप दही डाल देंगे, एक चम्मच हम इसमें चॉकलेट पाउडर डाल देंगे, इसमें हम आधा डेयरी मिल्क चॉकलेट डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, तीन चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे, थोड़े से आइस क्यूब डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए हैं। मैंने एक गिलास ले लिया है, इसमें हम इसे सर्व कर लेंगे। तो देखिए, मेरी चॉकलेट लस्सी बनके तैयार है। मैंने यहाँ पे थोड़े से चॉकलेट को कद्दूकस कर लिए हैं, इसे हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो देखिए, मेरे तीन तरह की लस्सी बनके तैयार है सर्व करने के लिए। तो आप भी एक बार अपने घर में इस तरह से ठंडी ठंडी लस्सी बना के जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।